सामाजिक समरसता व जल बचाओ सम्मेलन के निमंत्रण हेतु राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के राष्ट्रीय संयोजक व वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट विजय पाल ने सफीदो विधानसभा के 12 गांव का दौरा किया। एचरा कला गांव से यात्रा शुरू हुई जो सरफाबाद, बागड़ू खुर्द, बागड़ू कला, हरिगढ़, रामनगर, बिटानी, हाट, रोजला कारखाना होते हुए कुरड़ की तरफ पहुंची। यात्रा के दौरान विजयपाल एडवोकेट ने कहा कि हमारा समाज एकता में एकता का प्रतीक है। सामाजिक सद्भाव हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा सामाजिक सद्भाव से होकर गुजरती है। एक सामाजिक सद्भाव और महापुरुषों के संस्कार और शिक्षा को संजोने के लिए इसी महीने सफीदो में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वृक्ष और जल बचाव का दिया हुआ वरदान है जिसके सहारे यह पृथ्वी है और जीवन है। यदि हमने अब जल और वृक्षों को बचाने की मुहिम नहीं चलाई तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बार कार्यक्रम सामाजिक समरसता जल बचाओ सम्मेलन के नाम किया जाएगा। एचरा कला के 36 बिरादरी के लोगों ने किस प्रकार से स्वागत किया, किस प्रकार से ढोल से, पगड़ी से और जो मान सम्मान दिया वो आपके सामने। सामाजिक समरसता सम्मेलन का टारगेट नहीं हमारा कोई भी, संख्या का टारगेट नहीं, क्वालिटी का टारगेट। हम सामाजिक समरसता सम्मेलन कोई शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं करने जा रहे हैं। हम सामाजिक समरसता एक समाज को संदेश देना चाह रहे हैं और हम सामाजिक समरसता सम्मेलन एक पंथ दो काज हमने तो तीन करने पड़ गए एकदम। तो सामाजिक समरसता सम्मेलन भी हम जिस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसमें जल बचाओ, वृक्ष लगाओ और जन आशीर्वाद यात्रा जिस दिन सफीदों पहुँचेगी उसी दिन हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। विधानसभा में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए कहा कि विधानसभा के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं। सफीदों का विकास भी सबका साथ सबका विकास एक उदाहरण है। विधानसभा में हुए विकास कार्यों के लिए सारा श्रेय सभी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री की नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान इसका जोरदार धन्यवाद किया जाएगा। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जिनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि मैं हरियाणा के हर नागरिक का कैसे भला कर पाऊं, हरियाणा एक, हरियाणा एक के नारे के साथ आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इतने लोकप्रिय हुए। उन्हें सभी गांव के लिए समान विकास कराने के लिए, सभी बरादरी के लिए ग्रांट के लिए बहुत पैसों की वर्षा कर रखी है और सफीदों के ऊपर तो मुख्यमंत्री जी का बहुत विशेष आशीर्वाद है। भाई मैं तो देसी भाषा में कहूं धन वर्षा कर रखी। लेकिन हमने 72 के 72 गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी ग्रांट को लेकर समान विकास कराने का प्रयत्न किया है। युवाओं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि युवा ही समाज की दशा और दिशा तय करेंगे, उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। सामाजिक समरसता सम्मेलन के निमंत्रण के इस कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के सदस्य श्रवण गर्ग, नगर पालिका चेयरमैन सेवाराम सैनी, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत पाल सिंह चट्ठा, ब्लॉक समिति चेयरमैन राकेश शर्मा, पीलू खेड़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन सत्य प्रकाश, जामनी सेठ रामेश्वर दास गुप्ता, रणबीर बिटानी, ईश्वर कौशिक, राकेश जैन पूरा प्रधान नगर पालिका, सरपंच रामफल टोडीखेड़ी, हरविंदर सरपंच छप्पर शेर सिंह, सरपंच रामपुरा जापान नंबरदार व सरपंच एचरा कला आदि मौजूद रहे। कंचन टीवी के लिए सफीदों से कैमरा सहयोगी धर्मवीर के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट।